वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ। क्या आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो इसके लिए सबसे पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये ब्लैक कलर का हो जाएगा और साइड में जो बेल बटन आता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रिव्यू वीडियो। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं एक ऑयल यूज़ कर रही थी और उसका इफेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका बहुत सारे बेनिफिट्स मुझे मिला, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोग मेरे दोस्त हो तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प हो जाए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं जिस चीज की रिव्यू देने वाली हूँ वो है ये इंदुलेखा ब्रिंघा ऑयल, जो कि मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से मतलब हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको झेल रही थी। बहुत कुछ मैंने ट्राई किया था तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं दिखा था, लेकिन सडनली मुझे ये ऑयल के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि इतना कुछ मैं ट्राई कर ही रही हूँ तो क्यों ना इसको भी ट्राई कर लूँ। तो मैंने इसको ट्राई किया। बिफोर 5 मंथ मेरा हेयर जैसा था, अभी मेरा हेयर उसका मतलब बहुत सारा इम्प्रूवमेंट अभी हुआ है, तो इसीलिए मुझे ये ऑयल जो है बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़, इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। इसका मतलब ये एक केमिकल फ्री ऑयल है, जो कि एक बहुत ही मतलब खास बात है इसकी। आप यहाँ से चेक कर सकते हो इसका इंग्रेडिएंट्स। तो ये केमिकल फ्री एक ऑयल है, जो कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। और अगर इसके पैकेटिंग के बारे में बात करूँ तो ये पैकेटिंग कुछ इस तरह का है। इसके अंदर का ये जो बॉटल है वो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। और सबसे खास बात है कि इसको अप्लाई करना बहुत ही इजी है, क्योंकि ये जो बॉटल है इसके अंदर एक मतलब आपको होल करना होता है, तो उसके बाद ये ऑयल लीक करता है। तो अंदर का वो होल करने के बाद ये जो कॉम के जैसा जो है ना, यहाँ पे जितने सारे छोटे छोटे होल्स है वहां से ऑयल जो है गिरता है, यहाँ से ऐसे करके ऑयल गिरता है। ऑलरेडी गिर गया हूँ, तो ऑयल गिरता है। नॉर्मली मतलब ऑयल जो होता है आपको स्कल्प पे यूज करना होता है, बालों में यूज करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हेयर को स्कल्प पे यूज करना। तो जैसे कि मैं ऐसे करके इसको अप्लाई करती हूँ तो डायरेक्टली मेरे जो स्कल्प है उसके अंदर ये जाता है, तो इसकी ये सबसे बड़ी खास बात है। तो आपका क्या होता है ना, ऑयल जो होता है वो वेस्ट नहीं होता है। ऐसे जैसे नॉर्मली हम लोग हाथ में लेते हैं उसके बाद हेयर को मसाज करते हैं, तो बहुत सारे मतलब मुझे लगता है कि ऑयल जो है वो वेस्ट होता है, लेकिन इससे ऑयल वेस्ट नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ है, जब आप अंदर होल्ड करोगे तब क्या होगा, जब ये इससे तो मतलब बहुत सारा ऑयल आ जाता है ना, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, लेकिन एक दो बार यूज़ करने के बाद उसके बाद ये जो साइड है यहाँ से थोड़ा बहुत ऑयल लीक होता है। तो इसीलिए ये इसका एक माइनस पॉइंट मुझे लगता है कि ये इस यहाँ से ऑयल थोड़ा लीक होता है। तो जब भी आप इसको कहीं पर भी रखें तो नीचे एक कुछ रखने के बाद उसको ऐसे रखें, क्योंकि आपसे थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है नीचे तक भी आएगा कि मतलब लास्ट तक तो आ ही जाता है, जब बॉटल ख़त्म होने को होता है तब तो लास्ट तक आ ही जाता है, लेकिन क्या होता है 2-3 बार यूज करने के बाद यहाँ से लीक करता है तो ये पूरा ऑयली ऑयली हो जाता है। लेकिन हाँ, बाकी इसका जो मतलब ऑयल लगाते टाइम ये कभी भी मतलब थोड़ा भी मतलब वेस्ट नहीं होता है ऑयल, तो ये एक बहुत खास चीज़ है। सेकेंडली और एक चीज़ है, इसके अंदर कर्पूर है, तो कर्पूर का जो स्मेल होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको लगाने के बाद इसका जो मतलब ये स्मेल में मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, किसी किसी को शायद पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन मुझे इसका जो कर्पूर का जो स्मेल होता है वो बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए इसका स्मेल मुझे बहुत पसंद है। ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ नहीं है इसको यूज़ करने में। मैं इसको लगा के पूरा होल डे रह सकती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, अगर आप हेयर को मतलब थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ऑयल लगा के पूरा दिन रहोगे तो आपका हेयर फॉल मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि
कल से मतलब हेयर जो होता है ना वो थोड़ा सा मतलब लूज होने लगता है। इसीलिए मैं जब भी यूज करती हूँ ये फॉर्मूला मैं हमेशा यूज करती हूँ कि हेयर को मैं सुबह ऑयल लगाती हूँ, उसके 2-3 घंटे के बाद में इसको वॉश कर लेती हूँ। तो उससे पहले मैं थोड़ा इसका यूज के बारे में बता दूँ कि ये एक हेयर ट्रीटमेंट है। जैसे नॉर्मली हम लोग हेयर को अप्लाई करते हैं कि आप कभी भी हेयर थोड़ा अपने बालों में लगा लेते हैं, उसके बाद 2-3 दिन बाद आप हेयर को वॉश करते हैं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, कपूर भी रहता है। तो इसीलिए आपको ये जो ऑयल है अप्लाई करने के बाद ही इसको वॉश करना है। जैसे मैं इसको जिस तरीके से यूज करती हूँ वो है ये, मैं मॉर्निंग में उठ के सुबह ही मेरा हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। उसके बाद जब मैं पूरा अपना घर का काम करती हूँ तो 2-3 घंटा हो ही जाता है, उसके बाद मैं नहाती हूँ तब मैं हेयर को वॉश करती हूँ। तो इसी तरह से अगर आप इसको वॉश करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका जो एप्लीकेशन है वो मतलब इफेक्ट ये थोड़ा जल्दी करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आप जिस चीज को यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर यूज कीजिए। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो तो आप इसको 3 से 4 इन अ वीक लगा सकते हैं। तो मैं इसको यूज करके आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा क्योंकि सुबह नहाते टाइम मैंने इसको यूज किया था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने इसको यूज किया था। अंदर रहता है ये, इसमें डिटेल्स लिखा रहता है कैसे आपको यूज करना है, क्या क्या इफेक्ट है और सब कुछ यहाँ पे लिखा रहता है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। तो ये आप इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा, तो इसको देख के आप अपने बालों में इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि कैसे आपको यूज करना है। तो दोस्तों और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसका जो कॉस्ट है आपको थोड़ा सा कॉस्टली मतलब लग सकता है ये वाला ऑयल, क्योंकि ये 100 ml का है और इसका प्राइस 432 रुपीज है। तो इसीलिए शायद ये थोड़ा सा कॉस्टली लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल भी है। तो दोस्तों इसके इफेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप देख सकते हो मेरा जो हेयर है यहाँ पे थोड़ा सा खाली खाली है और यहाँ पे भी थोड़ा सा खाली खाली आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही छोटे छोटे हेयर आया हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे हेयर यहाँ पे आया हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि 100% हेयर फॉल को आपका ये रोकता है, लेकिन हाँ बहुत सारे हेयर फॉल कम हुआ है, बहुत ही कम क्वांटिटी में अभी हेयर फॉल होता है मेरा। पहले तो मतलब ऐसे भी करती थी, कंघी करना, हाथ से कुछ करना तो इतने सारे बाल आ जाते थे, लेकिन अभी इतना तो नहीं आता है। देखिए अभी तो जैसे नहीं आ रहा है, मैंने कॉम कर लिया है तो अभी तो आ ही नहीं रहा है मेरा बाल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंघी करती हूँ या शावर लेने के बाद थोड़ा बहुत बाल आते हैं। तो इसके लिए 100% तो मैं नहीं बोलूंगी कि ये मतलब हेयर फॉल रोकता है, लेकिन हाँ 80% हेयर फॉल आपका जरूर रोकता है, ये बहुत ही कम कर देता है आपका जो हेयर फॉल है उसका क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाता है और हेयर ग्रो भी करता है, जो नए हेयर भी ये लाता है। तो दोस्तों ये जो हेयर ऑयल है, मैं इसके बारे में अगर रिव्यू दूँ तो मैं बोलूँगी ये बहुत ही अच्छा एक ऑयल है। इसका बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, अगर 100% तो नहीं बोलूँगी लेकिन 80% तो कंट्रोल करता ही है, और ये हेयर ग्रोथ भी करता है, न्यू हेयर भी लाता है आपके स्कैल्प पे। तो इसका सेकंड है, और थर्ड जो मैं बोलूंगी, मैं ये ऑयल को मेरे 6 इयर्स ओल्ड बेटी के हेयर में भी अप्लाई करती हूँ, तो उससे मुझे लगता है कि उसका जो हेयर है थोड़ा बहुत ब्लैक किस टाइप का हो गया है, तो
तो ये बालों को काला भी करता है। तो मैं बोलूंगी आप इसको अप्लाई करके ट्राई करके देखो कि आपके स्कैल्प के ऊपर ये कैसा काम कर रहा है। 5 मंथ में मुझे रिजल्ट मिल गया है। उससे पहले मुझे रिजल्ट मिल गया था, एक बॉटल जब मैंने यूज किया था उसका, मतलब बहुत 7-8 टाइम यूज करने के बाद ही मुझे लगा था धीरे धीरे करके मेरा हेयर फॉल जो है कम होता जा रहा है, बालों का ग्रोथ भी थोड़ा बहुत आ गया है, तो मुझे पता चल गया था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप भी ट्राई करके देखो, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है तभी आप इसको कंटिन्यू करना। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रिव्यू वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसा वीडियो अगर आप और देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कौन सी चीज़ का मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँ। और हाँ, रिव्यू वीडियो अगर आप कुछ मुझे बोलते हो तो उसको शेयर करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँगी और फिर मैं आपको उसकी रिव्यू दूंगी। अगर वो मेरे बजट में होता है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत अच्छे रहिए, हैप्पी रहिए और मेरे साथ रहिए। जो जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं उसके लिए बोलूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।